नमस्कार दोस्तों दोस्तों भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में टाटा मोटर्स के द्वारा अपनी दो इलेक्ट्रिक कारें टाटा टैगोर ईवी और टाटा नेक्सॉन ईवी को मार्केट में पेश किया गया था। दोस्तों ईयर 2022 में टाटा मोटर्स के द्वारा अपनी एक न्यू इलेक्ट्रिक कार टाटा अल्ट्रोस ईवी को मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम टाटा के द्वारा आने वाली अपनी इस कार के बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो टाटा मोटर्स के द्वारा अपनी प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोस के डीजल वेरिएंट को दिसंबर 2019 में शोकेस किया गया था। दोस्तों अगर इस कार की प्राइस रेंज की बात की जाए तो टाटा मोटर्स के द्वारा अपनी इस कार की प्राइस 9.69 लाख तक रखी गई थी। दोस्तों इस कार के मार्केट में आते ही टाटा मोटर्स को इस कार के लिए बम्पर बुकिंग मिली थी, जिसकी सफलता को देखते हुए टाटा मोटर्स के द्वारा अपनी टाटा अल्ट्रोस को टाटा टैक्टिक वेरिएंट में शोकेस कर सकती है। दोस्तों टाटा मोटर्स के द्वारा अपनी इस हैचबैक टाटा अल्ट्रोस के इलेक्ट्रिक वेरिएंट को सबसे पहले ईयर 2020 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था, जिसके बाद से ही इस गाड़ी को लोगों की तरफ से काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। दोस्तों टाटा मोटर्स के द्वारा अपनी इस हैचबैक कार को टाटा नेक्सॉन ईवी के बैटरी पैक के साथ ही मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। इस गाड़ी में मिलने वाले बैटरी पैक की बात की जाए तो टाटा मोटर्स के द्वारा इस गाड़ी में 30.2 किलोवाट का बैटरी पैक मिल सकता है, जो इस गाड़ी को 350 प्लस किलोमीटर तक की रेस देने में सक्षम होगा। इस गाड़ी की मोटर की बात की जाए तो ये मोटर 129 PS आउटपुट के साथ 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। दोस्तों अगर इस गाड़ी में मिलने वाली चार्जिंग टाइप की बात की जाए तो टाटा मोटर्स के द्वारा इस गाड़ी में फास्ट चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग दोनों की ही सुविधा दी गई है। आप इस गाड़ी को नॉर्मल चार्जिंग में 8 आवर्स में फुल चार्ज कर सकते हो, जबकि अगर आप इस गाड़ी के साथ फास्ट चार्जिंग का प्रयोग करते हो तो आप अपनी इस गाड़ी को 60 मिनट्स में फुल चार्ज कर सकते हो। अगर इस गाड़ी के कुछ खास फीचर की बात की जाए तो टाटा मोटर्स के द्वारा आने वाली इस कार को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ सेल किया जाएगा और टाटा के द्वारा अपनी इस कार में रिवर्स पार्किंग सेंसर और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया जा सकता है। दोस्तों अगर इस गाड़ी की लॉन्चिंग और प्राइस रेंज की बात की जाए तो टाटा मोटर्स के द्वारा अपनी इस कार को ईयर 2022 के सेकंड हाफ में मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है और टाटा मोटर्स के द्वारा अपनी इस कार की प्राइस 10-11 लाख के बीच में रखी जा सकती है। दोस्तों अगर टाटा मोटर्स के द्वारा अपनी इस कार को 10-11 लाख रुपीस के प्राइस टैग के साथ मार्केट में पेश किया जाता है तो इलेक्ट्रिक कार मार्केट में कस्टमर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारी आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।